अगर alkane ही synthesize करना है तो ये method लेने की क्या जरूरत है? Alkane synthesize करने का तो एक method हम लोगों ने करा है ना, Woods reaction, तो बहुत better है. Woods is a better reaction method. Why should we go for this? No, Woods not better. This is better. Why? क्योंकि Woods में हमने एक बहुत बड़ी problem करी थी कि मैं odd number के alkane synthesize नहीं कर पा रही थी. क्योंकि अगर मुझे odd number of alkane चाहिए तो मुझे दो different alkyl halides चाहिए थे. और दो different alkyl halides होने की वजह से major products जो थे वो कम हो जाते थे. बहुत सारे different products जो हैं वो बन जाते थे, है ना? लेकिन अगर मुझे इसमें odd number of alkane synthesize करना है तो मैं क्या करूँगी? सोडियम सॉल्ट एक का मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो अभी, एक ही एसिड का सोडियम सॉल्ट ले रहे हो ना, आप दो डिफरेंट एसिड के सोडियम सॉल्ट ले लो. तो एक आप ले लीजिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन, साथ में एक ले लीजिए सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोट आयन, और दोनों का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसका क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक जगह CH3 रेडिकल बनेगा और दूसरी जगह CH3 CH2 रेडिकल बनेगा. अब CH3 CH3 आपस में जुड़ता था, अब CH3 CH2 CH3 के साथ जुड़ सकता है. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी भी CH3 CH2 CH2 CH3 के साथ भी जुड़ सकता है, अपने साथ भी, और CH3 CH3 अपने साथ भी जुड़ सकता है. इसको अवॉइड करने का बस एक ही तरीका, वो ये है कि ये जो सोल्यूशन ले रहे हैं इसमें कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कम रखें. तो जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी तो अपने से जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दूसरे से जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो अगर मैं इसको और इसको खुद में कम रखती हूँ तो ये आपस में जुड़ेंगे ज्यादा रादर देन अपने प्रोडक्ट्स में. हालांकि बन उसमें भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी ये एक तरीके का बेटर ऑप्शन है. और दूसरा ये बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स ऐसे बैठे जो गैस है. तो जब गैस बनती है किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन इज फोर्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इस चीज में कोई शक नहीं है कि ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से बेटर है. इस चीज में कोई शक नहीं है. क्यों? इसका मेजर रीजन है कि दोनों प्रोडक्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं, गैस. और दूसरा क्योंकि सोल्यूशन पानी का है ना, तो पानी में NaOH तो डिसॉल्व हो जाएगा पर एल्केन थोड़ी पानी में डिसॉल्व होगा. तो ये ऊपर ऊपर सेपरेट, तो इसको अलग जो है बाकी बाय प्रोडक्ट से आराम से सेपरेट किया जा सकता है. ये तो दो गैस से निकल गए, NaOH जो है एक्वस में सोल्यूशन में डिसॉल्व रहा, एल्केन तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि नॉन पोलर सिस्टम है, तो ये तो ऊपर ऊपर रहेगा, इसको अलग कर लिया. तो मिक्सचर ऑफ एल्केन जो है वो आराम से बाय प्रोडक्ट से सेपरेट आउट हो सकते हैं. लेकिन फिर भी आप इसमें ऐसा नहीं बोलोगे कि ये इसलिए बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते. बाय प्रोडक्ट तो इसमें भी बनेंगे, बट ये कि बेटर इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादा आगे जाएगा कंपेयर टू वुड्स. तो ये बस दिक्कत है, बाय प्रोडक्ट्स तो बनेंगे. कभी भी कोई रेडिकल रिएक्शन कराओगे उसमें बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे. तो अगर आप इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक तो आपको मिल सकता है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन के चांसेस भी हैं. ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं बनेंगे, बन सकते हैं. बट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, साथ में कौन मिलेगा, NaOH. तो आप लिख लीजिए कोज इलेक्ट्रोलिसिस इज बेटर देन वुड्स रिएक्शन बिकॉज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्स आर गैशियस. Kohl's reaction is better than Wood's reaction because the byproduct forms are gases. Hence, they force the reaction to move more in the forward direction. Clear होगी बात? बात क्लियर? नो, लेट्स से ये बेटा मेरे पास फिनॉल है. ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने डाला NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मैंने हाइड्रोलिसिस भी इसका साथ साथ ही कर दिया, एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर दिया. मुझे एक कंपाउंड मिला A जिसको मैंने फर्दर ट्रीट करा एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. मुझे कंपाउंड मिला बी. बी इज अ मेडिसिनल ड्रग. नाउ व्हाट इज बी?
Now this reaction is very very important. ये काफी बार exam में पूछा गया as it is, जैसे मैंने लिखा वैसे. तो B क्या है? देखिए सबसे पहली चीज ये तो आपको समझ आ रहा है, फिनॉल पे NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड करा रहे, तो ये क्या करता है? कोल्स रिएक्शन, कोल्समिथ. तो हमारा A क्या होगा? आप फिनॉल ले लीजिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH और एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप इसका करा देंगे तो आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, बट वो भी कौन सा? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड और स्टेबल होता है, यू गेट ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड. अब ये है मेरा ए, इसमें मैं डाल रही हूं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का कोई रोल नहीं है, ये एक सॉल्वेंट है. तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या होता है? AlCl3 नहीं डाला मैंने, प्रोटेक्शन हो जी. प्रोटेक्शन किसकी होती है बेटा? OH की. कौन सा OH? ये वाला OH है, ये OH फिनॉल के OH का प्रोटेक्शन होता है. तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और साथ में क्या मिल गया? COH. दिस इज व्हाट इज एस्पिरिन, मेडिसिनल ड्रग दैट वी यूज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन. ठीक, तो एस्पिरिन कैसे मिला? एस्पिरिन मिला बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव्स यू एस्पिरिन. लिख लीजिए ये प्रोसेस क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिड गिव्स मी एस्पिरिन विच इज अ मेडिसिनल ड्रग. बात क्लियर है? किसको? इस OH को बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन करा तो था, OH के साथ SIR नहीं होता, OH SIR में नहीं जाता. OH ना इसको आउट ऑफ द प्लेन भेजेगा, ना ये इसकी वजह से आउट ऑफ कुछ नहीं होगा. OH SIR नहीं देता, OH इज अ स्मॉल ग्रुप. ये JEE मेंस की वो करते हैं ना, कौन करते हैं तुम लोग करते हो ना, अरिहंत पास्ट ईयर्स अरिहंत की किताब जो है, JEE में सवाल आ रखा है, मैं बता देती हूँ क्या. एसिडिटी ऑर्डर पूछ रखा है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था. एक बार ये है, एक बार ये है और एक नॉर्मल है बेंजोइक एसिड. तो पूछा एसिडिटी ऑर्डर बताओ ए बी सी. ये मेरे ख्याल से 2016 या 2017 एडवांस का सवाल है. तो उसमें एसिडिक एसिड का वो बताना है, सिंपल एसिडिटी ऑर्डर. तो एसिडिटी ऑर्डर तो हमें पता है, कैसे बताते, कैसे बताते हैं क्या होगा एसिडिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा कौन सा होगा एसिडिक? बी ए सी. शाबाश, सबसे ज्यादा बी फिर ए सी. रीजन क्या दिया उन्होंने? SIR इफेक्ट. गलत, टोटली गलत. ऐसा रीजन आंसर सही लिखा है लेकिन जबरदस्ती को एक्सप्लेन तो करना है ना, जबरदस्ती घुसा के कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करना ही है. तो रीजन दे रखा है SIR इफेक्ट, जबकि OH के साथ SIR इफेक्ट नहीं होता. आई क्लियरली स्टेटेड दैट. इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि इस H के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. फिर H के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज निकलेगा पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा. तो बी ए सी इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट SIR, बिकॉज OH इज स्मॉल इनफ टू क्रिएट SIR. Did you get the point? You should not forget this. और NH2 is also does not create SIR, इसलिए उसकी basicity में SIP use करते हैं ना कि SIR. ये बात आपको समझ आई कि aspirin मैंने कैसे बनाया बेटा? Aspirin बनाया by acetylation of phenol. अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, देखिए मैं क्या करने वाली हूँ. ये जो बना है A, A से B मैंने मेडिसिनल ड्रग बनाया, अब मैं A से C बनाऊंगी. इसमें मैं डालूंगी मेथेनॉल CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बनाऊंगी C. C को बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यूज्ड इन आयोडेक्स. आयोडेक्स की मेकिंग में इसको इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये क्या है? दिस इज डिफरेंट. तो अब क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने डाला बेटा मेथेनॉल CH3OH और HCl. ये क्या होगा?
देखिए ध्यान रखें, एक रिएक्शन बचपन में पढ़ते थे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फ्रूटी स्वेल, एस्टर बनता है। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और साथ में एक अल्कोहल लेते हैं। तो एसिड और अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट, एसिड हैज टू बी द कैटलिस्ट, वी गेट एस्टर व्हिच हैज द फ्रूटी स्मेल एंड वाटर इज टेकन आउट। दिस H+ इज द कैटलिस्ट, दिस इज हैपनिंग हियर। मेरे पास एक एसिड ग्रुप भी है और एक फिनोलिक ग्रुप भी है, पर एसिड में अल्कोहल डालेंगे तो एस्टरिफिकेशन होगा, और अगर एसिडिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो एसिटाइलेशन होगा। दो डिफरेंट चीजें, एसिटाइलेशन कराऊंगी तो ये प्रोडक्ट होगा, एस्टरिफिकेशन कराऊंगी तो इस पे काम होगा, इस पे नहीं होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अब एस्टरिफिकेशन कराई तो देखिए क्या बनेगा, फिनोल तो एज इट इज रहेगा, यहां C डबल बॉन्ड O OCH3 एस्टर बन जाएगा ना। देखिए ये R है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एस्टर बन गया। नाउ दिस इज व्हाट इज माय ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यूज्ड इन आयोडेक्स। अब ये जो है, ये है बेसिकली एस्टरिफिकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एंड ये HCl क्या है, कैटलिस्ट, H+ इज द कैटलिस्ट, है ना। दिस इज एस्टरिफिकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं सैलिसिलिक एसिड में फिनोलिक ग्रुप पे भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे भी रिएक्शन करा सकते हैं। फिनोलिक ग्रुप पे OCOCH3 लगाया, एसिटाइलेशन करा के एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के एसाइड क्लोराइड डाल के, पर AlCl3 मत डालना। और अगर आप एस्टरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपने मेथनॉल डाला इन प्रेजेंस ऑफ दिस HCl एंड यू गेट एस्टर। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी डाउट? अच्छा एक चीज और बता देते हैं इसी के साथ साथ, एक नेम रिएक्शन और है। जैसे अभी हमने बोला कि हम फिनोल का क्या करा सकते हैं, एसिटाइलेशन करा सकते हैं, वैसे फिनोल का बेटा बेंजोइलेशन भी करा सकते हैं, बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का बेंजोइलेशन कैसे होता है? कोई बात नहीं, जैसे आप एसिटाइलेशन करा रहे थे सेम बेंजोइलेशन कराइए, फिनोल में डाल दीजिए C6H5C डबल बॉन्ड OCl। And please do not add any AlCl3, क्योंकि AlCl3 कराएंगे तो acylation type हो जाएगा ना, free radical। ये protection जैसा ही है, बस फर्क ये है कि RCOCl जो आप लेते थे, उसमें R को मैंने क्या कर दिया, C6H5। क्योंकि अगर मैं R को CH3 करते तो acetyl बन जाता, R को R रखते acyl बन जाता, R को C6H5 कर दिया benzoyl बन गया। ठीक, तो इसको करेंगे तो ये protection हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा, O C double bond O फिर से C6H5 which is nothing but, this is known as Schottenbaumen. Schottenbaumen. So benzoylation of phenol is known as a Schottenbaumen reaction. Schottenbaumen reaction. ठीक? तो जैसे हमने कोल्स करा, वैसे हम एक और रिएक्शन करने वाला है फिनोल का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालिए रीमर टीमर, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमर टीमर। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं, इसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस KOH या NOH, and what I get is a आपने यहाँ पे KOH डाला है तो पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा, साथ में CHO ग्रुप मिल जाएगा, सैलिसिलडिहाइड का सोडियम सॉल्ट, अगर आपने इसमें पानी डाला तो सोडियम सॉल्ट। इसमें अगर आप वाटर डाल देंगे then what you get is a salicylidehyde, phenol के ortho position पे CHO, get a salicylidehyde। देखिए reaction का mechanism क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे otherwise बहुत confusion हो जाती है। sodium salt, sorry potassium salt है ये, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ हाँ base ही डालना है, जो बेस डालोगे उसका सॉल्ट, एनिवेज डालोगे तो सोडियम सॉल्ट, केवेज डालोगे पोटेशियम सॉल्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बहुत अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसे आप समझेंगे, CHCl3 बेटा ऐसा होगा, इसमें जब तुम बेस डालोगी NaOH या KOH, बेस तो H+ लेता है, तो H यहाँ से निकलेगा
और सीएल भी यहां से निकलेगा, तो एक ही कार्बन से एच और सीएल निकला। अभी तक जो आपने एलिमिनेशन पढ़ा है उसमें एक कार्बन से एच, उसके बगल वाले कार्बन से सीएल, 1-2 एलिमिनेशन होता था अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन से, यहाँ पे अल्फा अल्फा, जिस कार्बन से एच उसी कार्बन से अटैच सीएल निकला, इसको बोला जाता है 1-1 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर एक तरीके का 1-1 एलिमिनेशन होगा और एक ही कार्बन से एच और सीएल दोनों निकल जाएंगे, एच भी निकला सीएल भी निकला, क्या बना सीसीएल टू। सीसीएल टू को ऐसे लिखा जाता है, ये होता है बेटा डाई क्लोरोकार्बिन। अब ये मत बोलना मैम डाई क्लोरोकार्बिन, अच्छा ये तो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे लोन पेयर है, नहीं ये लोन पेयर नहीं है, ये है लोन पेयर ही, बट ये लोन पेयर के जैसे बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन पे दो सीएल के साथ बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ये इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आप समझे कि न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल ओनली, डाइक्लोरोकार्बिन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो एक एच निकला बेटा, एक सीएल निकला, सीसीएल टू बन गया डाइक्लोरोकार्बिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अच्छा अब इस पाथ में ये जो डाइक्लोरोकार्बिन बना है ये क्या करने वाला है, ध्यान से देखेंगे, आपके पास फिनॉल है जो कि बेस, एक बेस तो यहाँ यूज हो गया, वैसे बेस तो प्रेजेंट ही है सिस्टम में, बेस के प्रेजेंस में फिनॉल क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड बन गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, नाउ फिनॉक्साइड अंडरगो रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, बोले हाँ या ना, नाउ ये नेगेटिव चार्ज आया और किस पे अटैक करेगा, CCl2 पे, क्योंकि CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, देखिए क्या बनेगा, यहाँ एक H रहेगा और एक CCl2 इस पे नेगेटिव आ जाएगा। आप बोलेंगे इस पे नेगेटिव क्यों आया बेटा, इस पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि CCl2 नॉन पोलर था, नेगेटिव चार्ज को कंजर्व रखना है, तो ये नॉन पोलर था, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं था तो भी ये नॉन पोलर था, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही ना उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया इसलिए इसके ऊपर, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज सीधा इस H को यहां से खींच लेगा अपने आप ही और क्या बना देगा, CHCl2, पर ये H के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये उधर होगा ना, तो यहां पे इसको इस तरीके से लिख दीजिए, बोले हाँ या ना, बात क्लियर, ये H इसने लिया, H के इलेक्ट्रॉन इधर, ये तो जो H है, अच्छा यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया और H यहाँ से, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इस पे वापस से 2 मोल KOH के रिएक्ट करेंगे इस कार्बन पे और दोनों Cl को भगा देंगे और दोनों Cl की जगह कौन लग जाएगा, OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से हो जाएगी, O नेगेटिव CH OH और OH, ठीक है, एक कार्बन पे दो OH अच्छे नहीं होते, वाटर निकालेंगे क्या बन जाएगा CHO, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है O नेगेटिव, तो यही हमने बनाया था पहले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फाल्डिहाइड। अब इसमें आप क्या डाल देंगे बेटा, पानी, आपको क्या मिल जाएगा सल्फाल्डिहाइड, Did you get the point? This is what is Reamer-Teamer reaction. तो कोल से आप बना रहे थे salicylic acid, Reamer-Teamer से phenol का क्या बना रहे हैं salicylidehyde. And what is the electrophile involved in Reamer-Teamer? Dichlorocarbene. Please note. Reamer-Teamer. अभी एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा पायरोल पे होगा और इसमें कुछ डिफरेंट ही प्रोडक्ट मिलेंगे, जब आप इसमें बेस और क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे ए एंड बी एंड द मेजर इज बी, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जबकि रीमर टीमर में आपको एक ही तो मिल रहा है, जैसे आपने बेंजीन का करा यू गेट ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सैलिसिलिडिहाइड, तो अगर इसका भी करूंगी तो मुझे ऐसे ही कुछ मिलना चाहिए, सी एच ओ ग्रुप कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए, आई शुड गेट वन प्रोडक्ट बट इंस्टेड आई गेट टू प्रोडक्ट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड है
तो सबसे पहले ये क्लोरोफॉर्म जब KOH के साथ रिएक्ट करता है, 1-1 एलिमिनेशन होता है, HCN निकलता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन बेसिकली यहां पर अटैक करने की बजाय इस डबल बॉन्ड पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाता है यहां पे, सबसे पहले चीज आप ये देखेंगे कि ये मेरा पायरोल है, इस पे ये CCl2 बेसिकली क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इट विल गेट इंसर्टेड डबल बॉन्ड पे, ठीक है। और उसके बाद आपने बेस तो डाल ही रखा हुआ H-, ये बेस क्या करेगा, इसको खींच लेगा यहां से। जब इसको खींचेगा तो इस N पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये CCl2 लगा हुआ है इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, नेगेटिव चार्ज बेटा नीचे जाएगा और ये बॉन्ड, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये वाला है वर्टिकल वाला और एक बॉन्ड ये है, दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बॉन्ड जो मैं तोड़ रही हूँ बेटा वो ये तोड़ रही हूँ, ठीक। जब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो देखिए क्या होगा, यहां बॉन्ड आ गया, ये टूट गया ना, तो इस वाले कार्बन, ये वाला पॉइंट से ये कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और उस पे दो CL लगे हुए, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा, यहां ये H है ही, ये नेगेटिव चार्ज इस H को खींच लेगा, ये H का बॉन्ड नीचे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा। देखिए पायरोल तो रीजनरेट हो गया, N पे आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां कौन लग गया, CH Cl2, और फिर देन दो OH नेगेटिव इस Cl पे अटैक कर देंगे, दोनों ही H किससे रिप्लेस हो जाएंगे और एक कार्बन पे दो OH अच्छे नहीं होते, वाटर निकाल देंगे, देखिए क्या बना CHO। अब ये फाइन वाटर से क्या ले लेगा, H ले लेगा और क्या जनरेट हो गया, पायरोल के पोजीशन पे CHO, जो कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो कि पहले भी बन रहा था बेंजीन के केस में, ऑर्थो पोजीशन CHO लग रहा था, यहां ऑर्थो नहीं बोल के नाइट्रोजन से सेकंड कार्बन पे CHO लग रहा है, बट दिस प्रोडक्ट इज A एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। नाउ व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा बेटा जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा और ये यहां से निकलेगा। ऐसा नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ एक बार, यहां तक बात क्लियर है। अब इसी को मैं वापस से यहां बना रही हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। देखिए यही वाला स्ट्रक्चर यहां पर आ रहा है, ये है, देखेंगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे गिरेगा, पहले मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ रही थी, अब मैं ये नहीं तोड़ूंगी, ये वाला इधर ले आऊंगी और इस Cl को यहां से निकाल दूंगी, ठीक। नंबरिंग कर लो ताकि आसान रहेगा, नाइट्रोजन से 1 नंबर करते हैं, 1, इसके बगल वाला कार्बन क्या हुआ 2, अब ये और ये जुड़ गया ना तो ये हो गया 3, 3 के साथ ये वाला कौन सा हो गया 4, 4 से ये वाला हो गया 5, देखिए ये हो गया 6, तो 6 मेंबर रिंग बनी, समझे बात को, तो 6 मेंबर रिंग देखिए कैसे बनी, 6 मेंबर बना दीजिए, एक नाइट्रोजन पे 1 लगा दीजिए और आप देखेंगे यहां डबल, फिर ये वाला टूट गया, फिर 1 और 2 के बीच में डबल आएगा, फिर 3 4 के बीच में डबल आएगा, फिर 4 और 5 सिंगल, 5 और 6 फिर से क्या हो गया डबल, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते जा रहे, तो हमने 1 2 के बीच में डबल बनाया, ऐसे ऐसे बना दिए, तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, चेक कर लो, 1 2 में डबल, 3 4 में डबल और 5 6 में डबल, हाँ है ना। और थर्ड पोजीशन पे एक Cl लगा रहेगा, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द बी प्रोडक्ट विच इज, दिस इज एबनॉर्मल रिमर। तो पायरोल का रिमर टीमर एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट देता है जो बेंजीन का रिमर टीमर नहीं देता, ये देता है मुझे 3-chloropyridine इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ मतलब सब्सटीट्यूटेड CHO-aldehydic पायरोल, आई गेट अ 3-chloropyridine, this is the abnormal product and the major product and this forms, why, because carbene instead of attacking directly inserts on the double bond and then we get this kind of a system. Ab ye aisa nahi ki sirf pyrrole pe hoga, bolenge nahi madam aapne pyrrole pe karaya to pyrrole pe hoga, nahi,
This type of abnormal Riemann tumor can exist on any type of a five-membered cyclic system having conjugated double bond. So this reaction can occur on five-membered cyclic structure having conjugated double bonds. तो इसका मतलब अगर मैं ये भी ले लूँ ना, ध्यान रखे बेटा इसको, यार मैंने पायरोल नहीं बनाया, NH नहीं लगाया और इस पे मैंने रीमर टीमर करा क्लोरोफॉर्म डाल के और KOH डाल के, तो मुझे मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा क्योंकि ये वाला H एसिडिक है ना, जैसे फिनॉल का H निकलता था या नेगेटिव आता था, वैसे ये वाला H भी तो एसिडिक है, ये नेगेटिव चार्ज आती है, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बन जाएगा, इसलिए इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है. और जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो ये मिलेगा, देखेंगे आप ध्यान से, यू गेट क्लोरोबेंजीन. बस एक ही तो फर्क है कि नाइट्रोजन नहीं है, बाकी तो रेस्ट इज एवरीथिंग. दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट मेजर, एंड माइनर प्रोडक्ट दैट यू विल गेट वुड बी दिस इज माइनर. हाँ, पायरोल नहीं, किसी भी फाइव मेंबर सिस्टम जिस पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो भी एबनॉर्मल रीमर टीमर देगा. नोट कर लीजिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे. सो हेडिंग डालते हैं एक्सटेंशन ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन. Extension of Riemann-Tiemann. रिएक्शन ना बेसिकली करते किस पर है, आप फिनॉल पे करते हैं, किसके प्रेजेंस पे, क्लोरोफॉर्म या फिर किसी बेस के प्रेजेंस पे, है ना. अब हम क्या करेंगे, हम फिनॉल ही लेंगे, बट इसके ऊपर हम क्लोरोफॉर्म ना डाल के CCl4 डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में कौन डालेंगे बेटा, बेस. रीमर टीमर रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी गेट, सैलिसिलिकाइड. इस केस में हमें जो मिलेगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड. अगर मैं पानी भी डाल दूं साथ में तो मुझे मिलेगा सैलिसिलिक एसिड. ये भी एक तरीके का रीमर टीमर नहीं है बट एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड रीमर टीमर है. इसमें क्या होगा, रीमर टीमर के मैकेनिज्म को अगर हम लोग रिकॉल करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म लेते थे और बेस लेते थे. क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करके 1-1 एलिमिनेशन देता था, डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट होता था, फिर फिनॉल फिनॉक्साइड एंड में कन्वर्ट होता था, रेजोनेंस होती थी, ऑर्थो पोजिशन पर डाइक्लोरोकार्बीन जुड़ जाता था, वो एच ले लेता था, एरोमेटिसिटी गेन हो जाती थी, फिर सीएल सारे ओएस से रिप्लेस होते थे, वाटर निकल जाता था, फाइनली हाइड्रोलिसिस होता था और सैलिसिलिकाइड बनता था. यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बेटा CCl4 के पास एच तो है नहीं, We don't have H, तो कोई elimination इसमें तो हो ही नहीं सकता. सिंपल जो बेस है वो फिनॉल को किसमें बदल देगा, फिनॉक्साइड आयन में. अब इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो जो फिनॉक्साइड आयन जाएगा तो रेजोनेंस करेगा, जब रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के CCl4 पे, और एक Cl को डिपार्ट कर देगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता. और इस पूरे केस में देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड को यहाँ एक तो H होगा और एक जगह एक Cl निकल गया तो CCl3 जुड़ जाएगा ना बेटा, बोलिए हाँ या ना, ये बात क्लियर है, Cl नेगेटिव निकल गया और CCl3 जुड़ गया, यहाँ तक ठीक है. अब क्या होगा, ये H निकलेगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये H कौन ले जाएगा, Cl नेगेटिव ले जा सकता है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, आपको क्या मिला, ये O नेगेटिव जनरेट हो गया और यहाँ कौन लगा हुआ है, CCl3. ठीक, अब फिर 3 मोल KOH के आएंगे और तीनों Cl को किससे रिप्लेस कर देंगे, OH से. ये OH, ये भी OH और ये OH, और हमें पता है एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होते,
तो तीन लगे हैं पर दो स्टेबल नहीं होते, दो निकालते हैं और क्या बनाते हैं वाटर, तो किसी दो से वाटर बना दो, वाटर को निकाल दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो लग गया और ये क्या हो गया OH, देखिए किसमें कन्वर्ट हुआ, O नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, C डबल बॉन्ड हो OH में, जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का H क्या है ज्यादा एसिडिक, तो H निकल सकता है और मुझे मिलेगा OH और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन आपने बेस कौन सा यूज किया, आपने बेस कौन सा यूज किया QS तो K पॉजिटिव डाल दो, फिर फाइनली आपने हाइड्रोलिसिस कर ही रखा है, पानी डाल ही रखा है, वो क्या दे देगा सैलिसिलिक एसिड, आप समझ रहे हैं सैलिसिलिक एसिड आपको क्यों मिला, क्योंकि जो ग्रुप लगा है उस पे तीन Cl हैं और तीनों Cl OH से रिप्लेस होंगे और एक OH मतलब एक कार्बन पे दो OH तो वाटर निकाल के डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एसिड बन गया क्योंकि एक OH ऑलरेडी है, जब आप रिवर्टीमर करते थे तो CHCl2 लगता था इसलिए खाली डबल बॉन्ड आता था और CHO बनता था, समझ रहे हो, तो ये भी रिमर्टीमर ही है बट एक्सटेंडेड रिमर्टीमर गिविंग यू सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के कितने तरीके सीखे, सैलिसिलिक एसिड बनाने के कितने तरीके सीखे, दो तीन, कैसे, एक तो ये हो गया एक्सटेंडेड रिमर्टीमर, एक हो गया, एक दूसरा तरीका कौन सा पड़ा है, कोल्स, कोल्स दो ही हो गए, तीसरा कौन सा, तीसरा पढ़ाए नहीं पढ़ाए, सैलिसिलिडिहाइड से सैलिसिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है बेटा, आप पहले यस सैलिसिलिडिहाइड बना दीजिए, कैसे, नॉर्मल रिमर्टीमर से, फिर इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए जैसे कि केवन ऑफ, वो क्या करेगा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिड, फिनॉल इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होता नहीं है तो फिनॉल एसिड रहेगा और ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, तो तीन तरीके हो गए सैलिसिलिक एसिड बनाने के, है ना, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल रिमर्टीमर करें एंड देन यू ऑक्सीडाइज इट एंड यू विल गेट COH, डिड यू गेट द पॉइंट, एनी डाउट टिल नाउ, यहाँ तक हमें बात सारी समझ आती है, चलो एक चीज और करते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, हेडिंग डाले फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, लेट्स से मेरे पास फिनॉल है और मुझे फिनॉल पे एसाइलेशन कराना है, ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ फिनॉल पे अल्काइलेशन और एसाइलेशन कराना एक डिफिकल्ट वर्क है, क्यों, क्योंकि आप जो भी HCl3 डालोगे वो इस लोन पेयर के साथ क्या बना लेगा, अडक्ट बना लेगा, हेंस द प्रोसेस इज डिफिकल्ट, बट फिर भी अगर बनाया जाए तो आप बना सकते हैं RCOCl AlCl3 डालेंगे ऑर्थो और पहला एसाइलेशन हो जाएगा, पर एसाइलेशन करने का एक बेहतर तरीका है फिनॉल में और वो ये है कि आप जैसे प्रोटेक्शन करते हैं तो प्रोटेक्शन करने के लिए क्या डालते हैं, कोई भी एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जैसे हमने कल डिस्कस किया था ग्लेशियल एसिटिक एसिड कुछ नहीं है एक सॉल्वेंट है, ठीक, तो आपको क्या मिल जाता है एसाइलेटेड फिनॉल ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये करना तो बहुत आसान है ना और बहुत सिंपल है, इसमें अगर मैं फ्राइज रीअरेंजमेंट करा दूं तो मुझे एसाइलेटेड फिनॉल मिल जाएगा विद अ वेरी गुड यील्ड, और वैसे अगर एसाइलेशन करा देन आई सेड कि द यील्ड वुड बी वेरी लेस बिकॉज एसाइलेशन और एल्काइलेशन फिनॉल का और एनिलीन का क्या होता है डिफिकल्ट, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास एसाइलेटेड फिनॉल है आप उसमें AlCl3 और हीट डाल दीजिए, अब AlCl3 डालिए बाद में जब एसाइलेशन हो गया प्रोटेक्शन हो गया उसके बाद में AlCl3 डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा OH ऑर्थो पे COCH3 लगा हुआ मिलेगा या फिर साथ में पैरा पे COCH3 लगा हुआ मिलेगा और इसकी यील्ड क्या होगी काफी बेटर रादर देन डूइंग डायरेक्ट एसाइलेशन,
तो यहां से यहां जो हमने कराया बेटा, इसको बोला जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है इसको देखते हैं। होगा क्या मैकेनिज्म, अगर देखेंगे आपके पास है ओ सी ओ सी एच थ्री, यही हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बोला AlCl3 एक लुईस एसिड है, उसका काम पहले भी यही था अब भी यही है कि वो इस लोन पेयर को क्या कर लेता है, प्रोटोनेट। वो इस लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा, देखेंगे क्या होगा। यहाँ बना AlCl3 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव और ये जुड़ा हुआ है COCH3 से। नाउ ऑफ कोर्स आई नो कि ऑक्सीजन कैन नॉट कीप अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो रख नहीं सकता, तो तुरंत क्या करेगा इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ेगा देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहां लगा हुआ है ओ AlCl3 लोन पेयर इज रीजनरेटेड, साथ में मुझे मिल गया है CH3C डबल बॉन्ड ओ कार्बोकैटायन, समझ रहे। तो ये दिक्कत थी पहले, पहले क्या दिक्कत थी, अगर आप इसी के साथ AlCl3 डाल देते तो वो AlCl3 यहाँ कार्बोकैटायन ना बना के यहाँ डबल बना लेता, ये कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो पाता, या फिर अगर होता तो बहुत कम यील्ड में होता, और यहाँ यही कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा यील्ड में जनरेट होता, समझ रहे। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट करा के एसाइलेशन कराना फिनॉल का ज्यादा बेटर है रादर देन डायरेक्ट एसाइलेशन कराना फिनॉल का। तो अब ये समझ आया कैसे जनरेट हुआ, क्यों, क्योंकि ओ पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तोड़ देगा ये जनरेट हो जाएगा। अब है तो ये अब एक्टिवेटिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले OH लगा रहता था, वैसे AlCl3 लगेगा, इसका लोन पे तो अपना रीजनरेटेड है ना, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है इस पे, तो लोन पे तो है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इस कार्बोकैटायन के को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा के या तो ऑर्थो पे लगवाएगा या फिर पैरा पे लगवाएगा, समझे बात को। तो ये इसके साथ अटैक होगा और मुझे मिलेगा AlCl3, साथ में या तो COCH3 ऑर्थो पे लगेगा या फिर और इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज होगी कि AlCl3 बचेगा नहीं, ये OH बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ, ये H ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कैसे, देखिए जब आप ES कराते हैं तो सबसे पहले एक जगह COCH3 लगता है और दूसरी जगह क्या जनरेट होता है बेटा, कार्बोकैटायन, यही होता था। फिर हम यहाँ से H निकालते थे ना, ये H निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस O पे लोन पे प्रेजेंट है, उस H को खींच लेंगे, एरोमेटिसिटी रिगेन होगी, AlCl3 भाग गया और डायरेक्ट आपको देखिए क्या मिला, OH COCH3। सिमिलरली पैरा पे भी यही होगा, OH COCH3। ठीक, और प्लीज इसे COCH3 लिखे ना कि OCCH3, क्योंकि फिर लिंकिंग होगी O से और वो इंस्टेड ऑफ अ कार्बोनाइल विल जनरेट इनटू अ ईथर ग्रुप, राइट। तो आप COCH3 लिखेंगे, तो ऑर्थो पे भी एसाइलेशन हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, और AlCl3 ऑटोमेटिकली निकल के H आ जाएगा, क्योंकि जब आप ES कराते हैं तो एक ग्रुप होता है जो H लेता है, वो H अब कौन ले लेगा, AlCl3 ऑटोमेटिकली ले लेगा और वो आपका H बन जाएगा, बात समझ आई। तो वी गेट acylated phenols by via Frise rearrangement done by creating the protection of the phenolic group, adding AlCl3 afterwards and heating it. Is that clear till now? आप बताइए। Claisen rearrangement. क्लेसन रीअरेंजमेंट क्या होता है और कैसे होता है, इसमें सबसे पहले आप फिनॉल लेते हैं और फिनॉल पे बेटा एक एलाइलिक हैलाइड लेते हैं, एलाइल हैलाइड, आप देखें एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ है, एक एलाइल हैलाइड मैंने लिया, तो क्या होगा फिनॉल का जो ओ है वो एज अ लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, सीएल यहां से निकल जाएगा बेटा और देखिए क्या मिलेगा, ये Cl नेगेटिव निकला, यहां से H प्लस HCl निकल गया और O के साथ CH2
एलाइल जुड़ गया, जिसको अगर मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से ना लिखूं तो ऐसे लिखूंगी सी एच डबल बॉन्ड सी एच। डिड यू गेट द पॉइंट? इस तरीके के सिस्टम में अगर हीटिंग की जाए तो रीअरेंजमेंट होता है, और उस रीअरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? क्लेसन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये रीअरेंजमेंट कैसे होगा। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूं ताकि आपको समझना आसान पड़े। ऐसे लिखा मैंने, मैं यहां पर बेटा कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, उसमें से ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है इस पे एक मार्क लगा रही हूं एस्ट्रिक। आप इस कॉर्नर वाले कार्बन की पोजिशन चेक करेंगे ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट। ठीक, यहां पे प्रॉपर पाई बॉन्ड्स बनाती हूं जैसे होते हैं। ठीक, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसे हीट करा। तो हीट करने से क्या होता है, एक इंटरनली ये पाई बॉन्ड जो होता है इस कार्बन पे अटैक करता है, इस कार्बन का बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है, और ये कार्बन बॉन्ड इधर ओ के साथ नीचे आ जाता है, और ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेगा ही फिर। तो देखिए क्या हुआ, ये बॉन्ड एज इट इज यहां पे बन गया डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बॉन्ड क्योंकि टूटा तो यहां नेगेटिव आया, और इस नेगेटिव से कौन जुड़ गया, सी एच टू। कौन सा सी एच टू? जिस वाले कार्बन पे एस्ट्रिक था। फिर ये पाई बॉन्ड टूट गया तो सी एच, और फिर इस कार्बन और सी एच टू के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। डिड यू गेट द पॉइंट? एंड आई हैव अ एच हियर, देन आई कैन हैव अ टॉटोमेरिज्म काइंड ऑफ अ थिंग, दिस ओ कैन गो आउट। टॉटोमेरिज्म कराएंगे, देखिए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड रीजनरेट, फिनॉल ओ एच यहाँ लग गया, ये एच एस इधर चला गया, और यहाँ क्या आया, सी एच टू एस्ट्रिक सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये रीअरेंजमेंट फेवर्ड है ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो वाला कार्बन सबसे नियरेस्ट होगा इसके लिए अटैक करने के लिए, तो इसलिए ये ऑर्थो पे पहले होगा, और अगर पैरा पे भी जाएगा तो वाया ऑर्थो ही जाएगा। Did you get the point? क्योंकि पैरा वाला कार्बन तो एक्चुअली बहुत दूर है इस पर अटैक करने के लिए, तो सबसे फेवरेबल किस पर है, ऑर्थो पोजीशन पे फेवरेबल है। ये इस तरीके से हुआ, और आप देखेंगे कि ये इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा जिस पे एस्ट्रिक लगा है, मतलब पोजीशंस कार्बन की चेंज होगी। पहले डबल बॉन्ड एस्ट्रिक और नॉन एस्ट्रिक में था, अब डबल बॉन्ड दोनों ही नॉन एस्ट्रिक के बीच में आ गया। ठीक, इस तरीके के रीअरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, क्लेसन रीअरेंजमेंट। Should I explain again? Please go. ये एक जनरल रिएक्शन है जो कि फिनॉल जब एक एलाइलिक हैलाइड के साथ रिएक्ट होता है और फिर हीट किया जाता है तभी होती है। मतलब ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये एलाइल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एलाइल नहीं होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा ही नहीं, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगी। ये एलाइलिक हैलाइड के साथ ही जब फिनॉल रिएक्ट करता है और ये बनाता है तभी होता है। तो मतलब ये वाला जो ग्रुप R लगा हुआ है ना इस पे, अगर आप इसे एक देखोगे एक तरीके से ईथर है, R O R, बट ये फिनॉल का एलाइलिक ईथर है। तो फिनॉल का R हो गया, उसमें R ग्रुप फिनाइल हो गया, और दूसरा R क्या होना चाहिए, एलाइल। तो इट हैज टू बी एलाइलिक ईथर ऑफ फिनॉल, और कहीं नहीं, ओनली एलाइलिक ईथर। और ये ऑर्थो पर ही होगा सबसे पहले, इवन इफ ऑर्थो पे कोई ग्रुप भी लगा हुआ है तो भी ये पहले ऑर्थो पर ही होगा और फिर पैरा पे जाएगा, क्योंकि पैरा वाला कार्बन दूर है, तो पहले ऑर्थो पे होगा रीअरेंजमेंट, ऑर्थो पे ग्रुप लगेगा एंड देन ये किस पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। इसमें इन केस ऐसा होता है बेटा कि आप फिनॉल के क्या करते हो, एक ऑर्थो पोजिशन को पहले से ही ऑक्यूपाई कर देते हो। ठीक, आपने पहले ही इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा रखा है और आप इसको फिर वही एलाइलिक हैलाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो CH2Cl, तो एलाइलिक ईथर फिनॉल का तो बन रहा है। इस तरीके से, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और जब आपने हीट करा तो एक ऑर्थो तो जो ब्लॉक्ड है उस ऑर्थो पे ना होके ये दूसरे ऑर्थो पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रेफरेबली ये पहले ऑर्थो पर ही होगा, अब पैरा पे ये बाद में जाएगा, अगर एक ऑर्थो ब्लॉक है तो दूसरे ऑर्थो पे करा। तो अभी ही हीट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ फिनॉल रीजनरेट हो जाएगा, ये ऑर्थो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वाला ग्रुप आ जाएगा पूरा पूरा। इस
बट कार्बन की पोजीशन चेंज होगी, एस्ट्रिक जो यहां पर है वो एस्ट्रिक वाला अब यहां जो। ठीक, तो इफ वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक, अदर ऑर्थो पोजीशन पे क्लेसन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर दोनों ही ऑर्थो ब्लॉक है देन यू विल गो टू द पैरा वन। आई विल एक्सप्लेन पैरा पे कैसे जाना। हाँ वही होता है जैसे यहाँ पे लगा हुआ था, इसको इस तरीके से बना के देख लो, फिर पॉन्ड इधर और ये इधर, सेम चीज होगी, सेम मैकेनिज्म होगा और वो पूरा शिफ्ट। तो पूरा एलाइलिक ग्रुप उठ के जो है ऑर्थो पर आ जाएगा, बट जो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन था उससे अब वो जुड़ जाएगा और जो पहले नॉन डबल बॉन्डेड था उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हुआ है एक्चुअली में। फिर मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज सुनाऊंगी स्पेशली। हर्षित समझ आया बेटा? अब देखिए पैरा पोजीशन पे कैसे होता है रीअरेंजमेंट। मैं ऑर्थो वाला बना रही हूँ, ऑर्थो से फिर से पैरा पे जाएंगे। ये है ऑर्थो पोजीशन वाला, वो वाला जो हमने बनाया मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला। अब इससे अगर पैरा पे जाना है तो फिर से काम तो वही होगा, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, पाई बॉन्ड से सारी शिफ्ट हो जाएंगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं इसको एज अ यहाँ ना गिरा के इसको एज अ नेगेटिव चार्ज ही गिरा देते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, ये फिनॉल एज इट इज रहा है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज रखा अभी फिलहाल मैंने, या फिर ठीक है चलो। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहां से ये CH2 जुड़ गया। इस CH2 इस CH के बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया और वो इस CH2 के साथ चला गया और यहाँ एस्ट्रिक लग गया। देखो सही है, नहीं ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है इस CH2 पे जुड़ा, ये रहा, ऐसा नंबर कर देते हैं, ये वन कर देते हैं, ये कार्बन टू कर देते हैं, ये कार्बन थ्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ा CH2 के साथ जो कि वन है, फिर वन और टू के बीच का पाई बॉन्ड टूटा और टू और थ्री के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अभी पहले वो एस्ट्रिक वाले से जुड़ा हुआ था, जब पैरा पे रीशिफ्ट होगा फिर से एस्ट्रिक वाला अलग हो जाएगा, दूसरे से जुड़ जाएगा, क्योंकि दो बार ये प्रोसेस हुआ ना, समझे। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, अब ये रीअरेंज कर लेगा अपने बॉन्ड्स को ताकि बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाए। कैसे रीअरेंज करेगा देखिए, यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये बॉन्ड पॉजिटिव इस नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको रीजनरेट कैसे किया जाए, इस बॉन्ड को अगर मैं बनाऊंगी तो ये बॉन्ड ऐसे कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब नीचे गिर के यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड अपने आप को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि एक कार्बन पे दो डबल बॉन्ड नहीं आ सकते, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इनमें तो रेजोनेंस हो रही है ना, तो देखिए क्या बनेगा, यह बॉन्ड ये आ गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ लग गया OH और यहाँ क्या बन गया CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा एस्ट्रिक और पैरा पोजीशन पर। तो आप जब पैरा पोजीशन पर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो आप ऑर्थो के थ्रू ही होके जाएंगे, तो जो ओरिजिनल अटैकिंग साइट थी, देखिए ओरिजिनली वो नॉन एस्ट्रिक वाले से जुड़ा हुआ था, तो पैरा पे आएगा तो नॉन एस्ट्रिक से ही जुड़ा रहेगा, जबकि ऑर्थो पर आएगा तो एस्ट्रिक से जुड़ जाएगा, समझ। तो कार्बन एटम की पोजीशन जो है इसमें बार बार चेंज होती रहेगी। नहीं समझी, अभी मैंने एस्ट्रिक इसको लगाया ना, हो सकता है एग्जामिनर इसको एस्ट्रिक कर दे, फिर तुझे बस इतना समझना है जो भी कार्बन ऑर्थो के पास होगा वो ऑर्थो से जुड़ेगा और दूसरा वाला ऑर्थो से अलग हो जाएगा, जो ओ से जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद जब पैरा पे जाएगा तो जो ओ से जुड़ा हुआ था वो पैरा पर आ जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट, क्योंकि मैंने तो एस्ट्रिक इसको लगाया, तो मैं तुम्हारे ऐसे मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही हूँ इस कार्बन को और इस कार्बन को, अलग अलग करना चाह रही हूँ, डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस पे एस्ट्रिक लगाया, इस पे नहीं लगाया, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो तब भी ऐसा था अभी भी ऐसा ही है, तो
एग्जामिनर हो सकता है इस वाले कार्बन पे एस्ट्रिक लगा दे, तो तुम्हारे बस एस्ट्रिक की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एक कार्बन ओ से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन नॉन जुड़ा हुआ है, तो जब आप ऑर्थो पे माइग्रेशन कराएंगे तो नॉन जुड़ा वाला जो है वो जुड़ जाएगा ऑर्थो से, और जब पैरा पे जाएंगे तो जो ओरिजिनली ओ से जुड़ा हुआ था वो जुड़ जाएगा। दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। डिड यू गेट द पॉइंट? तो जब ये सारी चीजें करते हैं ना, तो आईज क्लोज करके मेमोराइज करा करें कि ये हुआ क्या है। ठीक है, जो कंफ्यूजन है मैं समझ गई। हाँ सुनो जरा एक मिनट, ये पहले अगर आप पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, पहले ये ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो ही शिफ्ट होगा पैरा पे, समझ रहे? बिना ऑर्थो के पैरा पे आप नहीं जा सकते, पहले यही होगा फिर ये बनेगा। ऑर्थो दोनों ब्लॉक्ड हैं तो भी पहले एक वैकेंसी जो है इस तरीके से, जैसे ये हुआ है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा एच नहीं होगा, कोई ग्रुप होगा CH3, तो ऐसे जुड़ेगा और फिर यही से वो पैरा पे जाएगा। अभी बना के दिखाती हूँ, लेकिन इस स्टेप के बिना ये वाला स्टेप नहीं हो सकता। बस उस केस में ये होगा कि ऑर्थो वाला मैं आइसोलेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? वो मैं अभी बना के दिखाती हूँ कि इनके दोनों पैरा ब्लॉक दो, दोनों ऑर्थो ब्लॉक दो, तो पैरा पे कैसे जाएंगे। हाँ जी आप बताइए। हाँ सिर्फ नहीं, और पॉइंट अटैकिंग जिससे जुड़ा हुआ है बेंजीन का कार्बन वो चेंज हुआ है। ऑर्थो पे बेंजीन का कार्बन इससे जुड़ा और पैरा पे बेंजीन का कार्बन दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा, दो चीजें चेंज हुई हैं बस। ठीक, अब इसको आप खुद से बनाना सीख जाएंगे जब आप एरो की प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपको आ जाएगा समझ। अब इसको बना लो पैरा वाला, और फिर मैं समझाती हूँ कि अगर दोनों ही ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो पैरा पे, क्योंकि तब तो सिर्फ पैरा ही मेजर होगा ना, ऑर्थो आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे आप, पैरा ही मेजर होगा तो पैरा कैसे होगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कहीं पे कि बोथ द ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, ओनली पैरा पोजीशन अंडरगोस द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। और क्लेजन रीअरेंजमेंट बेटा यहां से शुरुआत हुआ, दिस इज क्लेजन, ये क्लेजन नहीं, ये तो क्लेजन का सब्सट्रेट प्रिपेयर करने का तरीका है, दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। और इफ बोथ द ऑर्थो पोजीशंस आर ब्लॉक्ड देन रीअरेंजमेंट डायरेक्टली अकर्स एट पैरा पोजीशन। देखिए कैसे होगी, दिखाते हैं। दोनों ऑर्थो ब्लॉक कर दिए हमने, हम इसको लेके जा रहे हैं हीट करेंगे, हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना होगा? पैरा। जैसे कि मैंने कहा बेटा इस पे मैं एस्ट्रिक लगा रही हूं कि पहले होगा तो ऑर्थो पे ही अटैक, पैरा पे डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड जो है सीधा इस पे अटैक करेगा ये इधर, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, ये बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ मिथाइल एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड ओ बन चुका है, इस मिथाइल के पास ये एस्ट्रिक वाला कार्बन आ जाएगा, फिर ये जुड़ा रहेगा इस CH से जो कि फिर आगे जाएगा CH2। ऐसा होता था, अभी क्या होता था, यहाँ H होता था तो H निकल के कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म और ये आइसोलेट हो जाता था। अभी आइसोलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ H नहीं है और कीटोफॉर्म तो स्टेबल ऐसा होगा नहीं, एरोमेटिसिटी तो गेन करेगा, तो ये फर्दर जाएगा किस पे? पैरा। ठीक है, अभी ये आइसोलेट नहीं हो पाएगा, अब आगे जाएंगे किस पे? पैरा पे। अब पैरा पे कैसे जाएंगे? ये फिर से अटैक, या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्ट इसको यहीं बना दीजिए, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ओ ही है, ये बॉन्ड एज इट इज, या मिथाइल है, यहां पर इसके वजह से डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 है और यहां पे एक H तो होगा ही और एक जाके ये लग जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एस्ट्रिक अब यहां आ गया। हाँ है ना, बात क्लियर, कोई डाउट? अब ये एच जो है वो कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म में जाएगा, तो ये एच निकलेगा यहां से बेटा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर और ये एच यहां लग गया, टॉटोमेरिज्म हो गई। प्रोडक्ट कौन सा आइसोलेट हुआ फाइनली? ये बन गया बेंजीन, ये फिनॉल, या मिथाइल, या मिथाइल, और यहां क्या लगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल गेट विच इज मेजर. पर आप देखेंगे क्योंकि ये प्रोसेस ऑर्थो से होकर गया है तो कार्बन एटम्स की पोजीशन बदल गई है, जो पैरा पे होनी चाहिए थी एग्जैक्टली वही आई है, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑर्थो से होकर ही पैरा पे जाएगा. बिना ऑर्थो के वो पैरा पे जा ही नहीं सकता. इवन इफ बोथ ऑर्थो इज ब्लॉक, फर्क बस इतना पड़ेगा कि मैं ऑर्थो वाले को आइसोलेट नहीं कर पाऊंगी, बट पैरा बन जाएगा. पर ये जब पैरा पे जाएगा तो दो बार रीअरेंजमेंट होगी, इसलिए ओरिजिनल कार्बन ही जुड़ जाएगा. और ऑर्थो पे जाएंगे, एक बार रीअरेंजमेंट हुई इसलिए दूसरा कार्बन जुड़ा, ओरिजिनल वाला कार्बन नहीं जुड़ा. डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर.